वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आप लोग सब जो वीडियो लेके आई हूँ वो क्रॉस कल्चर के कपड़े हैं, और इस डिक्लेयर पाकिस्तान से मैंने ड्रेस मंगवाया था वो दोनों आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसके गले के डिज़ाइन देख लेते हैं। गले का जो है, पहले मैं आपको टैग दिखा देती हूँ। इसका ये क्रॉस कल्चर का टैग है, क्रॉस कल्चर का स्मॉल एक्सेस साइज लिया मैंने। ये स्मॉल भी आता है, एक्सेस भी आता है, दोनों डिफरेंट आते हैं। कभी मैं वो ले लेती हूँ, कभी वो ले लेती हूँ। जो फिट लग रही होती शर्ट उसका स्मॉल ले लेती हूँ, और बाकियों का एक्सेस ले लेती हूँ। तो ये देखें, इसके ये बटन्स लगे हुए हैं गले से, देख रहे हैं आप लोग बटन्स। ये देखें इस तरह बटन्स, यहाँ तक बटन्स लगे हुए हैं इसके, ठीक है। जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसके बाजू में, बाजू की तरफ चलते हैं, बाजू की डिटेलिंग की तरफ। इसके बाजू है ना ये इस तरह के, ये देखें बाजुओं पे ये लेस लगी हुई जो होती नहीं है टेढ़ी मेढ़ी, इसे क्या कहते हैं, जिगजैक लेस लगी हुई है। देखें, दो मिनट फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं हो रहा मोबाइल। देखें फोकस हो गया अब ये। तो ये सीढ़ी लेस जो होती नहीं, सीढ़ी लेस नहीं सॉरी, जो टेढ़ी मेढ़ी इसे लेस कहते हैं हम, ये जिगजैग लेस इसे कहते हैं। इन्होंने इसे डाई कर रखा है वाइट में ना, वाइट कलर की होती है, इसको डाई करके लगा रखा है, और इस पर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। अब इसके ना यहाँ पे ना बंच है, ये देखें इस साइड पे बंच है, ये देखें कुर्ती को बंद करके ना यहाँ पे बंच बना रखा है इन्होंने, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी बंच है, सेम इस तरह बंच है। और उसके बाद नीचे से बिल्कुल प्लेन शर्ट है, ना कोई लेस है ना कुछ है, बस सिलाई हुई हुई है नीचे से। ये देखें, मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ, शर्ट बिल्कुल ही सिंपल सी है नीचे से भी। इसकी ओवरऑल लुक भी देख लें, जिसने इसकी देखनी है, ये इसकी ओवरऑल लुक। अब अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल है ये मैंने लिया डिक्लेयर्ड पाकिस्तान की तरफ से, मतलब कि मैंने ऑर्डर किया, लिया नहीं ऑर्डर किया, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसका। देखें ये इस तरह है, वी से गला है, वी शेप में इसका गला है। सबसे पहले इसका टैग देखें आप लोग, देखें डिक्लेयर्ड पाकिस्तान, डिक्लेयर से लिया है, डिक्लेयर पाकिस्तान। साइज़ जो है इसका वो स्मॉल है। तो ये मुझे मिला था 1400 रुपीज़ का, ये मैंने लिया था डिक्लेयर पाकिस्तान से। इसका नाम भी डिक्लेयर पाकिस्तान ही है, वेबसाइट का .com नहीं है, पाकिस्तान है, ठीक है। वेबसाइट आप लोग सर्च कर लिएगा जाके। इसका जो गला है ये देखें, ये भी है इसका गला। उसके बाद इधर फुंदरा लगा हुआ है एक, आप इसे टसल भी कह सकते हैं, फुंदरा भी कह सकते हैं। उर्दू में आप फुंदरा कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे टसल कहते हैं। लास्ट टाइम मेरे वीडियो में टसल को, इसको इंग्लिश में टसल नहीं कहा, फुंदरा कहा, तो उन्होंने एक लड़की ने कहा इसे टसल कहते हैं। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसे टसल भी कहते हैं, फुंदरा भी कहते हैं। उर्दू में आप फुंदरा कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे टसल कहते हैं, ठीक है। तो इसके चुनौटी डली हुई है, यहाँ से देखें ये कली आ रही है, और यहाँ पे चुनौटी डली हुई है इसकी, नज़र आ रहे जी, क्लियर है जिसे नहीं क्लियर, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ इसका डिज़ाइन। ये देखें यहाँ पे कली आ रही है, और यहाँ पे चुनौटी हैं। ये इस तरह भी दूसरी साइड भी सेम एज इट इज़ है। और ये देखें इसके जो बाजू है ना, यहाँ पे एक पैच लगी हुई है इन्होंने, लगाई हुई है इसके पैच, ये दिखा रही हूँ आप लोग को पैच, इन्होंने इसकी पैच लगा रखी है। ये देखें ब्लैक और वाइट पैच है, और फिर इधर बाजुओं पे ना ये इस तरह बाजू की चुनट है, ये देखें ये दोनों तरफ इसी तरह ही फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक, एज ए नॉर्दर्न एरियाज में आप जाते हैं तो पहन लेते हैं। मैं अभी गई थी मई, तो मैंने आप लोगों को व्लॉग दिखाया था, आप लोगों ने देखा भी है, कुछ लोगों ने देखा, बहुत कम लोगों ने, बाकियों ने नहीं देखा, वो भी जाके देखें जिन्होंने नहीं देखा। तो ये इस तरह का फ्रॉक है, ये देखें इसका घेर भी ज़्यादा है, मैं इसको यूँ करती हूँ तो ये देखें इसका घेर कितना ज़्यादा है, बिल्कुल पीछे से प्लेन है, तो बैक इसकी जो प्लेन है, और फ्रंट पे ये थोड़ा सा पैच है, ये देखें बाजुओं पे, आप लोग इस तरह लेस भी लगवा सकते हैं इसको, एज इट इज़ सिलवा भी सकते हैं, यही साइज़ सेम एज इट इज़, अगर आपने सिलवाना है तो आप सिलवा सकते हैं, लेस की आपको ज़रूरत है सिर्फ। होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे काइंडली इनबॉक्स में बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।